हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है, एक में हम रिश्तेदारों के साथ में पेशेंट को भर्ती करते हैं, मनोविकार के पेशेंट को, और दूसरा हॉस्पिटल जो है वहाँ रिश्तेदारों के अलावा वहाँ भर्ती करते हैं। हमारा लक्ष्य है कि व्यसन मुक्त भारत और सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बीमारी जिसको स्किजोफ्रेनिया बोलते हैं, छिन्नमानस, और उसका जो एक टाइप रहता है, एक प्रकार जो रहता है, वो है कैटेटोनिया, जो बहुत कॉमनली दिखाई नहीं देता, सामान्य रूप से दिखाई देता नहीं हो, मतलब इस तरह की बीमारी। ये जो पेशेंट है इसमें कैटेटोनिक स्किजोफ्रेनिया नाम की बीमारी इसको हुई है। इसमें होता क्या है, इसमें व्यक्ति का जो पूरा बदन है वो ऐसा कड़क होता है, हाथ कड़क, पैर कड़क, लेटे रहता है या बैठा भी तो भी ऐसा कड़क बैठेगा। वो खाता नहीं है, कुछ पीता नहीं है, देखते रहता है ऐसा एक नज़र से, उसकी आंखें भी लपकती नहीं, बातचीत नहीं करता, खाना रिफ्यूज़ करता है, नहीं होना खाना, या पीता भी नहीं है। उसको लैट्रिन कभी होती नहीं है, होती है तो कपड़े में कर देता है, पेशाब भी कपड़े में कर देता है, उसको कुछ भान नहीं रहता है। ना वो वायलेंट होता है, ऐसा बहुत कुछ वायलेंट नहीं होता हो कि मारपीट करेगा, कोई बकबक करेगा, ऐसा भी नहीं रहता है। तो इस तरह की बीमारी ऐसी बहुत कॉमनली दिखाई देती नहीं है, मगर यदि ये दिखाई दिया तो इसका इलाज करने के लिए जरूर आप नजदीक के साइकेट्रिस्ट के पास में भेज देना, क्योंकि ये 100% अच्छा हो जाता है। हमारे पास में अभी, मतलब ये मेरे 35 साल के प्रैक्टिस में एक 10 से 15 पेशेंट ऐसे आए होंगे कि जिनको एक कैटाटोनिक स्किजोफ्रेनिया है, और क्लासिकल इसका इलाज है लोरेजिपाम नाम की दवाई है, हेलोपेरिडॉल है, फिर ओलेंजिपिन है, ये दवाई से अच्छा हो सकता है। मगर यदि वो रेजिस्टेंस है उसको, मतलब ठीक नहीं हो रहा जल्दी, तो सबसे बेस्ट बेहतरीन जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट। इलेक्ट्रिक शॉक दिमाग को देते हैं तो जल्दी अच्छा हो जाता है। पर हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक देने के पहले ही या कोई ट्रीटमेंट चालू करने के पहले उसकी पूरी जाँच कर लेते हैं, उसकी खून की जांच कर लेते हैं कि खून में कोई प्रॉब्लम है क्या, ब्रेन का सीटी स्कैन या एमआरआई कर लेते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, या फिर और कोई एक्सरे वगैरह करके उसको फिजिकली, मतलब बदन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना, शारीरिक रूप से कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होना, ये पूरे देख लेते हैं, और बाद में फिर उसका इलाज चालू करके शॉक ट्रीटमेंट दिया तो जल्दी अच्छा हो जाता है। हो सकता है कि आपके आजू बाजू में ऐसे लोग होंगे कि जो दरगाह में इलाज ऐसा करते होंगे कि भाई इसका ठीक कोई इलाज नहीं है, उसको बाहर ही किया हुआ है, उसका इलाज दरगाह में चालू होगा, आपके परिचित होंगे, उसका सही तरीके से इलाज नहीं होता होगा, जरूर नज़दीक के साइकेट्रिस्ट के पास में उसको लेके जाओ और उसका इलाज करो। ये वीडियो आप जरूर शेयर करो, आपके फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप जरूर शेयर करो, आपको बहुत अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।